जग्गू तू ना बिंदी मौसी को परेशान मत कर, बुरा था तू पिंजरे में बंद थी ना, तो गुलू भाई ऐसे चीकू को बचाने में वही हमारी मदद की थी, और तेरा अच्छा फिता भी बांध दिया था, कहे कि चीकू भी तुझको याद कर पाए। हमने तुमको पहचान लिया इसी कारण। जग्गू, अरे कहाँ चली गई जग्गू? ये हल्दी वाला लेप तो लगवा ले। अरे उसे छोड़ ना जग्गू, वो बता कि हवेली कैसी है? बहुत सुंदर है ना? छोरी हवेली ना सोने के पिंजरे जैसा है। मतलब पता है कचौड़ी, हवेली ना बहुत ही सुंदर है, हवेली में सब चीज सोने की है। वो राम जी की कथा है ना, उमे बोलते हैं सोने की लंका, एकदम हवेली भी वैसे ही है, लंका जैसी सोने की जैसी। रसोई में ना ठंडा पेटी भी है, ठंडी ठंडी हवा आती है। ओ बक्से में चलने वाला आदमी, गाने वाला नाचने वाला आदमी। रसोई में हम लोग मसाला पीटते हैं ना, वैसे ही मसाला खुद से पीसने वाला एक डब्बा होता है, एकदम दादा के फटफटिए ना वैसा आवाज करता है, ऐसा। जानते हैं कचौड़ी, वहाँ इस जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता, वहाँ ऊंची सी तख्ती पर खाना रखकर खाते हैं। क्या कहते हैं? टूबल। हाँ, टूबल पे बैठकर खाते। पता है? राजा जैसा खाते, राजा जैसा बैठते टूबल पर। खाने का टूबल अलग होता है और चाय पीने का टूबल अलग। और बिछोना इतना मुलायम है, हमको तो चीकू की याद आ गई। और पता है वहाँ का जो झूला है ना, वो इतना इतना जग्गू इतना बड़ा कि सब सामान आ जाता है, दादा की मड़ाई से भी बड़ा। दादा की मड़ाई तो मुट्ठी में रख ले वो हवेली। पता है कचौड़ी, वहाँ का गौशाला दादा की मड़ाई से भी ज्यादा बड़ा है।